बच्चों तो आज हम चैप्टर नंबर देंगे प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th एवरग्रीन बुक है हमारी, तो आज इसको देखेंगे हम। और इससे पहले हमने जो चैप्टर्स किए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जो भी अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। तो देखते हैं आज इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आना चाहिए, चैप्टर नंबर 5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या है, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कह सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तो आप चैप्टर नंबर 6 कर सकते हो। और जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता उसको कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा टॉपिक है जो किसी ना किसी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कभी भी स्किप मत करना। और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर किया है, उस सेपरेट लेक्चर से आप कंप्लीट अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कर सकते हो। और आप उस लेक्चर को अगर एक बार देख लेते हो तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतना ईजी लगेगा कि आप सोचोगे कि पहले हमने इसको क्यों नहीं देखा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे टफ मानते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से हमारे लेक्चर से तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर आप करना चाहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे उसका लिंक, या फिर आई बटन में डाल देंगे। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 6 करने से पहले आप इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं तो सेलिना कॉन्साइज पर अभी हमने इसका बेसिक इंट्रो डाला है, तो अगर आपको वो चैप्टर चाहिए तो हम उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313, फाइंड द नंबर्स। इसमें बेसिकली है क्या, देखो चैप्टर नंबर 6 में आप कह सकते हो कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना वही है। यहाँ पर जो क्या बनेगी हमारे पास एक मिडिल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्यूशन फाइंड करोगे, बस ये तो करना है इसमें। कैसे, जैसे हमारे पास बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैसे, एक लेट करेंगे x और एक को x प्लस वन। एक को x प्लस वन क्यों लेट किया हमने, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में वन का डिफरेंस होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सोन, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और वो कह रहा है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव का मीन्स होता है लगातार कंटिन्यूअस, जैसे 3 के बाद 4, ऐसा नहीं है 3 के बाद आप 5 लोगे, अगर 3 लिया है ना आपने तो 3 के बाद आप 4 ही लोगे, या फिर 3 से पहले आप 2 ही लोगे, जैसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव है, 3 4 कंसेक्यूटिव है, 4 5 कंसेक्यूटिव है। ओके, तो मींस कह सकते हैं जो एडजेसेंट नंबर्स हैं वो आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव। तो अगर आपने एक x लेट किया, x किसी को भी लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं जो x x की वैल्यू 12 है, तो x प्लस 1 से आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। ओके, हमने लेट कर लिया कि एक x और एक क्या हो गया, x प्लस 1। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले आप लेट कर लोगे, ठीक है। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इस चैप्टर को पेन कॉपी से कराइए। अब देखो आप पेन कॉपी से आपको अच्छे समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके बताना, उसको भी सोल्व करेंगे। तो लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, अपने माइंड में ये मत रखो कि भाई हमें पेन कॉपी से ही समझ में आएगा, अगर आपने वो रखा हुआ है तो फिर आपको उसी से ही समझ में आएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी इसकी हेल्प से भी, ठीक है, इसको समझ सकते हो, क्योंकि हम हर एक पॉइंट आपको डिटेल में बता रहे हैं। जैसे अब हम लेट कर लेंगे लेट टू नेचुरल नंबर्स या टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो लेट कर लिया हमने क्या x एंड x प्लस 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मींस ये जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम इनके स्क्वायर्स का सम करें, दोनों का स्क्वायर करें और दोनों का सम करें अगर हम, तब आपको मिलेगा 313, ये बोल रहा है। अब आपको बस इसको सोल्व करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इससे बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर यूज करेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab करेंगे तो 2 × x × 1 2x होगा ओनली इक्वल्स टू में 313। ओके, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 2x इधर ले लेंगे और ये प्लस 1 फिर 313 क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर कितना होगा प्लस माइनस माइनस ये 300 कितना हो जाएगा 12 क्योंकि माइनस किया हमने लेकिन माइनस का होगा
क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है। अब आपको ये जो 312 है ना, इसके फैक्टर करने की माइनस करने पर 2x मिले। बताओ 312 के फैक्टर। अब देखो फैक्टर करने के लिए या तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं या फिर इसको देखो कि किससे डिवाइड हो रहा है। जैसे 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड करो। 12 से हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 12 से कर लो। 12 नहीं हो रहा, 12 से 12 टू 24 हो रहा है क्या? यस हो रहा है। जैसे अगर हम 12 से देखें तो क्या फैक्टर मिलेंगे, चलो 4 से कर लेते हैं। 4 7 जो 28 कितना बचेगा? 32। और 4 8 जो 32, ठीक है, 4 8 जो 32 अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 into 78 ये होगा हमारा। लेकिन हमें माइनस करने पर 2 लेके आना है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि माइनस करने पर 2 कब मिलेगा, जब आपको दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसमें डिफरेंस 2 का हो। तो आप इसके अगेन फैक्टर कर दो। जैसे 4 से अगर हम अगेन फैक्टर करते हैं इसके, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 1 जा 4, फिर 3 कैरी, 4 1 जा 4 3 कैरी, 38 आता है। हाँ, 4 के टेबल में नहीं आता 38, तो फिर आप 2 से डिवाइड करो इसको। 13 से हो रहा है वैसे, 13 टाइम्स में हो रहा है। 4 4 1 जो 4 3, 13 4 जा नहीं होते 78, 13 1 जा 13, और ये 13 से अगर हम देखें कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 30 कितने टाइम्स में हो रहा है, ये 6 टाइम्स में हो रहा है। 13 6 जा 78, 4 into 4। अब इसके अगर हम फैक्टर देखें, लेकिन माइनस करने पर आपको क्या लेके आना है, 2 लेके आना है माइनस करने पर। तो क्या लेंगे हम फैक्टर, फैक्टर हम ले सकते हैं 6 के साथ, तो ये आएगा नहीं। 6 4 24 24 माइनस 13 आ रहा है, 24 माइनस 13। यहाँ पर हमने मिस किया है एक नंबर, यहाँ पर 2 होता, क्योंकि x और x कितना हो रहा है 2x। यहाँ पर भी कितना होगा, 2x होगा ये, और ये 2x होगा अगर, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। और फिर ये सिंपल हमारा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 312 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस, और 2 से हमने अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 नहीं बचेगा देखो, और 2 अगर इसमें से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 1 जब 2, फिर यहाँ पर 1 कैरी 2 5 जब 10, और फिर यहाँ पर 1 कैरी 2 6 जब 12, फिर यहाँ पर आएगा ये एक्स ओनली, और यहाँ पर मिलेगा आपको 156। तो आपको 156 के फैक्टर करने हैं, जिसमें कि माइनस करने पर आपको क्या मिले, 1 मिले। 156 के तो फैक्टर है सिंपल 12 एंड 13, क्योंकि 156 डिवाइड हो रहा है देखो 12 से भी हो रहा है, 12 1 जो 12, 3 कैरी 12 3 जो 36, 13 एंड 12, सिंपल हो गए इसके फैक्टर। यहाँ पर हमसे 13x माइनस 12x। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। -156 = 0, एक्स यहाँ पर एक्स प्लस 13, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -12 कॉमन लेंगे तो x+13 = 0। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x+13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-12 = 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13, और एक्स की वैल्यू और क्या होगी हमारे पास, +12। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, 12। और अगर आपने एक्स की वैल्यू 12 ली तो आपके पास नंबर्स क्या है, एक्स एंड एक्स प्लस 13, तो आपके जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 12 एंड 13। ये होगा फाइनल आंसर, लास्ट में लिख देंगे हम नेचुरल नंबर्स भी, 12 एंड 13। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है क्या होगा, 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर। तो होल नंबर आप लेट कर लो एक्स, लेट किया हमने, लेट अ होल नंबर भी कितना एक्स, एक्स अगर हमने एक होल नंबर लेट किया देन आपको क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल्स टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर की स्क्वायर से भी 5 लेस। देखो इसमें उल्टा बोलता है, देखो पहले 5 लेस देन बोल दिया इसने, किसमें से 5 लेस देन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस में से भी 5 लेस, किसके इक्वल होगा, 9 टाइम्स के नंबर के। तो आपको नंबर फाइंड करना है, आप क्या कर लो 9x इधर लेके आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, आंसर आ जाएगा 2 5 जो 10, 10 के फैक्टर आपको क्या करना है, माइनस करने पर क्या मिले, 9 मिले, तो 10 1 जो 10 लेंगे हम, -5, इस टाइप से करेंगे इसको। और ये सभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक बार देख लोगे तो ये कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा कि भी क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उसको बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा होगा, वरना तो पूरा कंप्लीट ही लैंग्वेज है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस फाइव और यहाँ पर ये 2x प्लस वन। ओके तो यहाँ पर x की टू वैल्यूज हो जाएंगी, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू फाइव, और 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि होल नंबर नहीं है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी फाइव। यही आंसर है इसका, सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2 अपॉन 15, फाइंड द नंबर्स। ये कह रहा है कि टू नेचुरल नंबर्स लेट करने हैं। अब इसने ये नहीं बोला कंसेक्यूटिव है क्या है, तो आप लेट कर लो कि टू जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या है हमारे एक्स एंड वाई। लेट टू नेचुरल नंबर्स भी एक्स एंड वाई। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना है 8, और दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2 अपॉन 15, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है 2 अपॉन 15 ये बोला। अब देखो यहाँ पर भी टू वेरिएबल, यहाँ पर भी टू वेरिएबल। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है तो वो करनी है एक सिंगल वेरिएबल में। तो आप क्या करो, y के प्लेस पर क्या कर लो 8 माइनस एक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम टू नेचुरल नंबर्स लेट करेंगे x और यहाँ पर 8 माइनस एक्स, क्योंकि आपको टू नेचुरल नंबर्स का सम क्या चाहिए 8 चाहिए। तो अगर एक हम x लेट करेंगे तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस एक्स। जैसे 8 में से अगर हमने एक 2 लेट किया तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस 2 मतलब 6, समझ रहे हो। तो इसी के अकॉर्डिंग आप नंबर्स को x और 8 माइनस एक्स डायरेक्ट भी यहाँ पर लेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पर, सिंपल x 1 अपॉन में 8 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या इक्वल्स टू 2 अपॉन 15, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इनको क्या कर लो एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 15। अब यहाँ पर क्या करो 8 माइनस 2x अपॉन में 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 अपॉन 15। ओके ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू में 2 और यहाँ पर ये 8x माइनस 8x स्क्वायर। अब कर लो 15 8 जा कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 120 और यहाँ पर ये 15 2 जा कितना होगा 30x इक्वल्स टू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 16x माइनस में 2x स्क्वायर, ये होगा। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का 2x स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो 16 है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 30x पहले था माइनस का और ये माइनस का 16x और हो जाएगा और ये मिलेगा हमें 120 प्लस का। यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 46x और ये प्लस 120 इक्वल्स टू में 0। ओके अब क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 23x और यहाँ पर प्लस 60 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 23x और प्लस में 60 इक्वल्स टू में 0। अब देखो 60 के फैक्टर प्लस करने पर 23 आए, 60 के फैक्टर प्लस करने पर 23 आए, तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, 60 के फैक्टर होंगे हमारे 2 इन 2 क्या कर सकते हो आप 30 बोल सकते हो, या फिर आपको क्या करना प्लस करने पर 23 लेके आना है, प्लस करने पर 23 लेके आना है, तो 20 और 3 रहेंगे हम इसका फैक्टर, 23 से 60 और प्लस करेंगे तो 23 इक्वल्स टू में 60 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करोगे यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस में 60 इक्वल्स टू में 0, एक्स यहाँ पर एक्स माइनस 20 और यहाँ पर माइनस 3 और एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर एक्स माइनस 20 और यहाँ पर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 20 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी 3। ओके तो ये हो गई हमारे पास एक्स की टू वैल्यूज, क्या हो गई एक 20 हो गई और एक हो गई हमारे पास 3। अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू लेंगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या एक्स की वैल्यू 20 ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम ही 8 है। तो हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं 3, तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो आपकी सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एक एक्स है एक 8 माइनस एक्स मीन्स 8 माइनस 3 ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगा सिंपल, ये 3 और ये 5। ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 4, दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए एंड द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 170। तो बताओ आप इसमें नंबर्स किस टाइप से लेट करोगे। तो इस बार आप अगर टू नेचुरल नंबर्स x और y लेट करते हो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इस बार कितना होना चाहिए 4। तो इस बार आप y के प्लेस पर क्या ले सकते हो x माइनस 4 ले सकते हो, ठीक है, y के प्लेस पर क्या ले सकते हो x माइनस 4, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है।
समझ रहे हो? आप देख लो, आप इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। और कह रहा है कि इनके एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, इन दोनों का स्क्वायर करो और उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 170 के। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसमें लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 ए भी करेंगे तो 2 × 4 = 8 x। ये समझ रहे हो आप, सिंपल ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 x², ये माइनस का 8 x, ये प्लस का 16, और ये माइनस 170 उधर लेके आए तो माइनस 170, ये 2 x² माइनस 8 x, और यहाँ पर ये माइनस करेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 154। ओके, इक्वल्स टू में 0, 2 कॉमन लोगे आप, यहाँ पर x² माइनस 4 x माइनस 2 7 जा और 2 7 जा इक्वल्स टू में 0। ये हो गया हमारे पास 77। अब देखो आप इसमें 77 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए। आपको पता है कि भाई 11 7 जा 77 होते हैं और इसके फैक्टर होते भी नहीं, और 11 7 जा मीन्स माइनस करके 4 भी आ रहा है 11 x, और प्लस क्या कर लो 7 x। देखो माइनस प्लस माइनस करके क्या मिलेगा आपको, 4 x ही मिलेगा, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 11, और यहाँ पर प्लस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो इसको, यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 11, और यहाँ पर x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7। ओके, तो ये हो गया हमारे पास दो वैल्यूज x की, एक तो 11 और एक हो गई माइनस 7। अब देखो माइनस वाली वैल्यू ले नहीं सकते हम, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे 11। और अगर हमने x की वैल्यू 11 ली, दूसरी वैल्यू क्या है x माइनस 4 है, तो क्या होगी 11 - 4 = 7। तो टू नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे 11 और 7। सिंपल ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 45। तो टू नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर्स। तो आपको नंबर्स बताने हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है। टू नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 45, हम लेट कर लेते हैं टू नंबर x एंड y। अब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है 45, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में इसने बोला है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में स्मॉलर नंबर होगा y, क्यों, क्योंकि हम बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं हमेशा, तभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसलिए y क्या है स्मॉलर नंबर। तो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर के 4 times इक्वल होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हो, और वाई स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर सकते हो आप क्या, 4x इक्वल्स टू में 45। यहाँ पर क्या करो x² माइनस 4x और माइनस 45 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करो 45 के फैक्टर माइनस करने पर क्या, 45 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए, तो क्या होगा 5 जो 45 होते हैं तो 9 - 5 माइनस करने पर 4 आ रहा है। ओके, यहाँ पर x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस 45 इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, और यहाँ पर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है सिंपल, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 9 और x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। x की टू वैल्यूज हो गई 9 और x की एक वैल्यू हो गई माइनस 5। क्या माइनस 5 ले सकते हैं, अगर ये क्या है हमारे पास टू नंबर्स है, टू नंबर्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये इसमें नेचुरल नंबर वगैरह भी नहीं बोला, तो अगर इसमें हम 9 लेते हैं, देखो अगर हम क्या लेते हैं x की वैल्यू 9, ठीक है, x की वैल्यू लेते हैं अगर हम 9, तो y की वैल्यू क्या होगी, देन y की वैल्यू क्या होगी, या 4 9 36 हो रहा है, और 36 का क्या होगा हमारा y इक्वल्स हो जाएगा 6। ओके, x की वैल्यू 9 मीन्स एक नंबर 9 होगा और दूसरी वाली वैल्यू होगी 6, तो 9 और 6। आप देखो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करके देखो 45 आएगा, जैसे 9 9 = 81 और 6 6 = 36, कितना आ रहा है 45 आ रहा है, यस 45 आ रहा है। ओके, और इसका जो छोटा वाला नंबर है इसका स्क्वायर 4 times ही स्मॉलर नंबर है, करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसमें हम ऑप्शन देखें क्या, कि अगर हम क्या लें x की वैल्यू -5 लें, y² = 4x हमारा, और x की वैल्यू क्या लें अगर हम -5 लें,
तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -20, और रूट में अगर -20 वैल्यू आ रही तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर होंगे हमारे पास टू नंबर्स 9 और 6, या 6 और 9 हम इसमें बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसमें 9 और 6, ये हो रहे हैं इसमें नंबर। अब आप देखो इसमें, इसमें देखो 9, 6 दे रखा है, 9 और -6 भी गिवन क्या है, 9 और -6 भी गिवन क्या है, क्यों, क्योंकि अगर रूट से वैल्यू बाहर आती तो प्लस माइनस आती है, मतलब वाई की वैल्यू -6 भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर टू आंसर्स होंगे, एक्स की वैल्यू तो 9 ही होगी, वाई की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6 भी, ये दो आंसर इसलिए दे रखे हैं कि वाई की वैल्यू -6 भी हो सकती है, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे इसमें। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका, 6th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज 154, व्हाट आर द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बताओ क्या होंगे। देयर आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x, x plus 1 एंड x plus 2, ये होंगे, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, किस किस का सम करना है आपको, फर्स्ट का स्क्वायर करना है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज क्या है हमारे पास 154। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर किसके साथ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज, अदर टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है आपको, एक्स प्लस वन और x प्लस टू का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और इसको फर्स्ट वाले के स्क्वायर से सम करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 154। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, ही कि यहाँ पर बोल रहा है कि सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर, अदर टू नंबर्स के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 154 होगा। देखते हैं कि सही रिलेशन बनाया है हमने नहीं, तो इसमें हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं वही x प्लस ए एक्स प्लस बी, नाइन्थ क्लास वाले आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा 1 और 2 3x हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स, और ए इंटू बी 2 हो जाएगा, फर्स्ट में 154। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाइनली, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3x, और यहाँ पर 8 2, और ये -154, फर्स्ट में 0, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 152, और फर्स्ट में 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है इसमें, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो और फैक्टर आना चाहिए माइनस कर कर 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 152 में, 152 के अगेन फैक्टर कर लो, जैसे 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, 2 7 जब 14, 1 कैरी 2 6 जब 12, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 76, 76 के अगेन फैक्टर करोगे तो 2 इंटू में क्या लिख सकते हैं, 2 3 जब 6 2 8 जब 16 होगा। ओके, और यहाँ पर आ रहा 2 2 जब 4 2 जब 8, माइनस करके 3 लेके आना, अगेन फैक्टर करेंगे, 19 2 जो 38 होते हैं, तो 19 ही आ गया हमारे पास, 19 और 16 आ रहा है, 2 2 2 और 2, ठीक है, तो यहाँ पर होगा इसके फैक्टर क्या, 19 माइनस 16x, और यहाँ पर 152 में 0, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इक्वल्स टू में 0, कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 19, यहाँ माइनस में कॉमन लेंगे क्या 8, और यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर प्लस में कितना होगा 8 कॉमन लेंगे, तो 8 बन जाए 8, और 8 9 जा होगा हमारा, फिर 72 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर 2 भी आएगा हमारा 8 कॉमन लेंगे, तो तभी तो सेम फैक्टर आ रहा है, 2x प्लस 19 एंड एक्स प्लस एक्स माइनस 8, ओके, एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आप देख रहे हो वो क्या होगी, यहाँ से तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो ये तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी 8, x की वैल्यू लेंगे हम 8, क्योंकि इंटीजर चाहिए हमें, तो x इंटीजर है वो भी पॉजिटिव, ये होगा 8, ये होगा 9, ये होगा हमारा 10, तो ये तीनों इंटीजर्स होंगे इसमें, सिंपल हमारा ये आंसर होगा 6th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7th में बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, अब इवन इंटीजर्स अगर हमें लेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, x, x प्लस 2 एंड x प्लस 4, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप इवन इंटीजर्स देखोगे तो उसमें 2 2 का डिफरेंस होता है, अगर एक x है नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, x प्लस 2 करके,
टू एड नेक्स्ट कैसे मिलेगा, टू एड करके, फिर नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, टू एड करके, तो इसमें टू एड किया तो ये मिला, इसमें टू एड किया तो ये मिला, ठीक है। ऐसे ही ओड नंबर्स भी हम टू टू एड करके लेते हैं। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इन सभी के स्क्वायर्स का सम कितना है, 200 है ये बोल रहा है। तो आपको फाइंड करने हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बताने हैं आपको जो आपने लेट किए हैं। सॉल्व कर लो, इसमें लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी इक्वल्स टू 200। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x और 8x कितना हो जाएगा, 12x और ये 3x हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्या कर लो, 3x कर लोगे, ओके। ये x और ये 8x 12x, 4x 8x 12x, 4 और 16 प्लस 20 और ये माइनस 200 और लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x, माइनस करोगे 20 में से 200 तो कितना मिलेगा आपको, 180 माइनस का इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 कॉमन भी मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जो 12x माइनस 3 6 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। बताओ आप 60 के फैक्टर माइनस करने पर 4 आए, 12 5 जो 60 होते हैं, और देखो 60 किसके टेबल में आ रहा है कि माइनस करने पर 4 आए, 15 के टेबल में आता है 60, लेकिन माइनस करने पर 4 तो नहीं आ रहा, तो फिर किसके टेबल में, 12 के टेबल में भी आ रहा है लेकिन माइनस करने पर 60 माइनस करने पर 4 नहीं आ रहा, तो फिर माइनस करने पर 4 क्या क्या लेंगे, मतलब इसे फैक्टर क्या लेना चाहिए, तो 10 और 6 आ रहे हैं इसके फैक्टर, 10 इंटू 6 भी तो 60 होगा, और 10 माइनस 6 कर लो कितना आएगा, 4x आएगा, ओके। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 10, छोटे मोटे फैक्टर तो आपको ऐसे ही ईजिली मिल जाएंगे अगर आपने मेरे टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से किया है ना, जो हमने लेक्चर आपको बताया है, अगर उसके सभी क्वेश्चंस और जो भी हमने उसमें बताया आपको वो करने के लिए, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक्स की टू वैल्यूज होंगे, एक तो माइनस 10 और एक होगी एक्स की वैल्यू 6, ओके। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो हमें इवन इंटीजर्स लेने हैं, तो भी हम क्या लेंगे यहाँ पर 6 लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे, दूसरा क्या होगा 6 प्लस 2 8 और 3 10, फिर ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, 6 8 और 10। लेकिन इसने पॉजिटिव इवन नंबर नहीं बोला, इसने नेगेटिव भी बोल सकता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं इवन नंबर, ध्यान रहे इवन नंबर हमेशा ऐसा नहीं है पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए वो सभी इवन नंबर होते हैं, तो 10 भी हो सकता, 10 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस 8, 2 ऐड करेंगे तो माइनस 6, इसलिए ये वाला आंसर भी गिवन किया है कि भाई ये भी हो सकता है आंसर, या फिर क्या हो सकता है आंसर, ये हो सकता है माइनस 8 माइनस 10 माइनस 8 एंड माइनस 6, क्योंकि अगर आप x को माइनस 10 लेट करते हो, माइनस 10 प्लस 2 करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस 8, और माइनस 10 प्लस 4 करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस 6, इसलिए दोनों इसके फाइनल आंसर्स हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि ए टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। टू डिजिट नंबर में कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको नंबर में डिजिट्स लेट करनी है, कि उसमें लेट करने की लेट यूनिट डिजिट भी, ठीक है, यूनिट डिजिट हम लेट कर लेंगे x और टेंस डिजिट हम लेट कर लेंगे कितनी y, तो इन दोनों से नंबर क्या बनेगा, इन दोनों से नंबर बनेगा क्या, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस में x। अब याद करो कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, जैसे हमारे पास 25 है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 इंटू 10 प्लस 5, तो वही है कि यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो बस हमने क्या किया, यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y और 10 डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई, और अगर 100 डिजिट होती तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस सिंपल हमने नंबर फॉर्म किया। अब ये कह रहा है कि एक टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, इनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 6, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, और अगर इस नंबर में 9 ऐड कर देते हैं हम, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट क्या कर देती है अपने, ये जो नंबर है वो अपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता है, मीन्स x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर x प्लस y, अगर हम इसमें नंबर में 9 ऐड कर देते हैं तो ये डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसी को ही आपको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे, पहले आप कर लो इसे x x और y y में,
अगर हम टेन इधर लेके आते हैं, टेन एक्स पे माइनस का नाइन एक्स हो जाएगा, वाई इधर लेके आएंगे तो नाइन वाई, ये माइनस का नाइन एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस का टेन एक्स इधर आएगा और प्लस में नाइन इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ पर क्या कर लो आप, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है तो आप क्या कर लो, या तो इसी इक्वेशन में वाई के प्लेस पर वैल्यू पुट कर लेना। देखो नाइन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो बचेगा, वाई माइनस एक्स प्लस में वन इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि नाइन तो डिवाइड में आकर क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर y के प्लेस पर आप लिख सकते हो x माइनस वन। तो आप क्या करो सिंपल y के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर दो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और आप फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रहे हो x माइनस वन इक्वल्स टू में सिक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू में सिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी इक्वल्स टू में जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बताओ कितना होगा इसका आंसर, सिक्स का फैक्टर माइनस करने पर कितना है वन, क्या करेंगे थ्री एक्स, थ्री माइनस टू कह सकते हैं, लेकिन इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो ये बीच वाला स्टेप छोड़ रहे हो तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों को माइनस प्लस माइनस करके माइनस एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, प्लस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री प्लस टू में जीरो, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू में जीरो। ओके ये हो गया इक्वल्स टू में जीरो। अब एक्स की वैल्यू दो वैल्यू हो जाएंगी थ्री और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगे एक्स की। अब हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, क्या लेनी है टू डिजिट नंबर, तो हमें क्या करना पॉजिटिव नंबर, ठीक है पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू लेंगे थ्री। तो अगर आप एक्स की वैल्यू थ्री ले रहे हो देन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वाई की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, थ्री माइनस वन ये हो जाएगी टू, एक्स और वाई की वैल्यू हो गई तो आप नंबर बता सकते हो कितना होगा, नंबर हमने लेट किया था टेन वाई प्लस एक्स, टेन इंटू वाई की वैल्यू कितनी टू प्लस में कितना थ्री। तो देखो अभी हम आंसर वेरीफाई करेंगे 23 आ जाएगा, 20 प्लस 3 23, तो अगर आप क्या इसमें 9 ऐड करते हो तो क्या डिजिट चेंज हो जाती है 32 बन जाएगा ये, यस 32 बन रहा है, 23 से क्या बन रहा है ये 32 बन रहा है अगर हम इसमें 9 ऐड कर रहे हैं तो, सही है बिल्कुल कंडीशन, इसका मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो होगा 23। हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ही फाइंड करना था, तो नंबर हो जाएगा हमारा 23। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट भी टू डिजिट से ही है, इसमें बोल रहा है कि टू डिजिट नंबर कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ टू डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर क्या है हमारी स्मॉलर नंबर है, ठीक है टू डिजिट में अगर हम क्या करते हैं टू डिजिट में हम यूनिट डिजिट और टेन डिजिट ऐड कर लेते हैं, यूनिट डिजिट एक्स और टेन डिजिट वाई ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है टेन डिजिट हम क्या ऐड कर लेते हैं वाई ऐड कर लेते हैं, देन हमारा नंबर क्या होगा, नंबर होगा टेन वाई प्लस में एक्स। ओके ये होगा, अभी कह रहा है कि टू डिजिट नंबर कंटेन द स्मॉलर ऑफ द टू डिजिट इन द यूनिट प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24, डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है एक्स इंटू वाई है वो क्या है 24 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स और डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो कितना है 5। अब इसने पहले ही बोल दिया कि यूनिट डिजिट पर जो डिजिट है वो क्या है स्मॉलर है, ठीक है स्मॉलर ऑफ द यूनिट डिजिट इन यूनिट प्लेस, तो ये स्मॉलर है तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं, इसलिए वाई माइनस एक्स किया हमने, ठीक है क्योंकि वाई क्या है ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पर आप वाई के प्लेस पर क्या कह सकते हो, वाई के प्लेस पर कह सकते हो आप एक्स प्लस फाइव, क्योंकि ये जो एक्स है इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा। तो आप क्या कर लो सिंपल, ये जो इक्वेशन है हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और इसको सेकेंड डाल देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया हमारे पास, यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू में 24, 24 इधर आकर माइनस 5x माइनस में 24 इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 24 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, बताओ तो 24 3 8 24 भी होते हैं या 8 3 24 और माइनस करने पर 5 भी आ रहा है, ओके इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 3x और माइनस में 24 इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ पर ये x प्लस 8 और यहाँ पर ये x माइनस 3 इक्वल्स टू में जीरो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके x की वैल्यू हम लेंगे 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 8, तो y की वैल्यू 8 x की वैल्यू 3 तो नंबर क्या होगा हमारा, तो नंबर हो जाएगा 10 इंटू वाई की वैल्यू 8 और यहाँ पर 3 तो हो जाएगा 83। ओके बस ये करना है इसमें, तो आपको नंबर फॉर्म करना आना चाहिए कि नंबर हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, सिंपल
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखो, इसमें बोल रहा है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 7। देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इसने बोला है कि इसकी हाइपोटेनस तो 13 होगी और अदर डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स का डिफरेंस 7 है। टेकिंग एक्स एज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर ऑफ द टू साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में जो छोटी साइड है उसकी लेंथ आपको लेट करनी है एक्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि राइट एन इक्वेशन इन एक्स दैट रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट एंड ऑल्सो सोल्व द इक्वेशन। तो अगर हम इसको एक्स लेट करें और इसको अगर हम लेट कर लें वाई, तो ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 7। तो आप कह सकते हो कि वाई माइनस एक्स कितना होगा 7, क्योंकि इसने बोला कि अदर टू साइड में जो छोटी वाली साइड है उसको एक्स लेट करना है। टेकिंग एक्स एज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर ऑफ द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स में जो छोटी साइड है उसको एक्स लेट करना है, इसको हमने वाई लेट किया, तो आप कह सकते हो वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, क्योंकि बड़ी साइड क्या है हमारी, बिगर साइड है वाई। ओके, तो अब आप वाई की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, वाई की प्लेस पर भी आप पुट कर सकते हो एक्स प्लस 7। तो आप वाई की प्लेस पर क्या ले सकते हो, एक्स प्लस 7, ये इसका मीनिंग। अब इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर इसको किसमें एक्स में इक्वेशन बनानी है, तो आप इसमें यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना एक्स प्लस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना एक्स और एक्स का स्क्वायर, 13 का 169, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 7 का 49 और प्लस 7 टू जो 14 एक्स प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ओके, ये होगा इसमें फाइनली। अब आप इसको सोल्व कर लो, पर हम बेस यहाँ पर एक्स लेट करेंगे, बेस तो हमारा एक्स है या 49 नहीं, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 14x प्लस का, ये प्लस का 49 और ये 169 माइनस का जाएगा इधर आकर राइट हैंड साइड में। कर लो सोल्व, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस करो यहाँ पर 0, 4 माइनस करेंगे यहाँ पर 2 और ये 1, ये होगा माइनस का 120। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60, तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस में 60। बताओ 60 के फैक्टर माइनस करने पर 7 आए, तो 12 5 से 60, 12 माइनस 5 करोगे कितना आएगा 7 आएगा, ये 60 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 60। अब आप कर लो इसको सोल्व, यहाँ पर करेंगे अगर हम यस 0, यहाँ पर कॉमन लेंगे एक्स प्लस 12 और यहाँ पर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस 12, यहाँ पर कितना जाएगा ये एक्स प्लस 12 और यहाँ पर ये एक्स माइनस 5, तो एक्स की दो वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पर, क्या कि एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू में 0, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 और एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू में 0 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू 5, समझ गए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, 5 लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपने एक्स की वैल्यू 5 लेट की है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 5 प्लस 7 मीन्स 12 और हाइपोटेनस तो है ही 13 हमारे, तो वही ये देखो ये 5, ये 12 और ये 13 ट्रिपलेट होती है। तो इसमें कह रहा है कि ऑल्सो सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द टू अननोन साइड्स, तो टू अननोन साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इस क्वेश्चन को, मतलब आप कह सकते हो कि इन क्वेश्चन को करिए आप अच्छे से, इनको अगेन आपको पेन कॉपी लेनी है और अपने आप से ट्राई करने हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना अपने आप से ट्राई जरूर कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर आपने इनको ट्राई नहीं किया ना तो ये आपको क्वेश्चन समझ में सारे आएंगे लेकिन आपसे होंगे नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि अगर आपने एग्जाम में आप अपना अच्छा स्कोर देना चाह रहे हैं तो करके देखिए, आपको प्लस माइनस में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक आएगी, आप क्वेश्चन सभी समझ जाओगे लेकिन आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो घर पर इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं होता तो फिर देखें तब करें इसे, जब आप इसे 2 से 3 बार कर लोगे ना प्रैक्टिस तब जाकर ये आपको आएंगे क्वेश्चन, वरना आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इसलिए इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।